भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने शिमला रेलवे स्टेशन में आयोजित भारतीय रेल का आधुनिकीकरण के कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में 10 नई वंदे भारत रेल को हरी झंडी दिखाई। सुरेश कश्यप ने कहा कि शिमला में रेल सेवा सबसे पुरानी रेल सेवा है और रेल से पर्यटन का उद्देश्य शिमला की दृष्टि से रेल सेवा पूरा करता है। उन्होंने कहा कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भानुपल्ली बिलासपुर बैरी नंगल डैम तलवाड़ा और चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन के निर्माण के लिए बजट की कमी नहीं आएगी। यह हमारी केंद्र सरकार का संकल्प है। केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में हिमाचल की तीनों रेल लाइनों के लिए 2500 करोड़ का प्रावधान रखा है। आज रेलवे नेटवर्क की हिंदुस्तान एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क दुनिया में है, तो दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा और एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क हमारे देश का नेटवर्क है, जहाँ लगभग 1,15,000 करोड़ से ज्यादा रेलवे लाइन की पूछती है, प्रतिदिन 8,000 से ज्यादा ट्रेन चलती है, करीब 2.5 करोड़ जो कार्य किए हैं आज ही का नतीजा है वो हम आपके सामने देख रहे हैं। किस प्रकार से रेलवे के नेटवर्क को सुधारा है, जिस प्रकार से आज रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, विशेष रूप से जो क्वालिटी सर्विस आज रेलवे से मिल रही है ऐतिहासिक है। आज माननीय प्रधानमंत्री 10 करोड़ भारत रेल को हरी झंडी भी दिखा रहे हैं, तो हम सबके लिए खुशी की बात है। और आज लगभग 50,000 रेलवे भारत के लिए प्रवेश कर रही है। पहले 2019 के पहले ट्रेन से ही आज 10 ट्रेनों का रेलवे दिखाई जा रही है, तो देश के सभी रेलवे सिटीज को यहाँ रेलवे का नेटवर्क वंदे भारत के साथ जोड़ा जा रहा है, तो एक बड़ा सुंदर अवसर है। बहुत सुंदर जो सफर रेलवे का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के में हो रहा है, रेलवे के विकास के लिए निरंतर प्रगति हो रही है। एक समय था और अगर हम अपने शिमला की बात करें तो यहाँ पर भी जैसा कि हमारा जो यहाँ का कागज शिमला के लिए हेरिटेज में है, लेकिन यहाँ पर भी अच्छी सुविधाएं लोगों को मिल सके, चाहे जैसा किसी की बात करें तो आने वाले समय में और बेहतर कुछ भी यहाँ पर हो, किस प्रकार से जिसको हम कह सकते हैं कि गहरे में है और इसका जो यहाँ पर ऐतिहासिक है साथ साथ बेहतर सुविधाएं लोगों को मिल सके, उस दिशा में आज हम आगे बढ़ रहे हैं।